हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मात्राएं कितनी प्रभावशाली होती हैं कि अगर एक की जगह दूसरे अक्षर पर लग जाएं तो शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिए अक्षर लिखे हैं क ल, शब्द है कल, कल। अब मैं अगर मात्रा यहां लगाती हूं तो वो बन जाएगा काल, काल मतलब भूतकाल, भविष्यकाल। अब यहां पर अगर मैंने यहां लगा दिया तो बन गया कला, मैं चित्रकला में मशहूर हूं, मैं नृत्य कला में मशहूर हूं, कला। अब यहां देखिए लिखा है तर, तर, तार, स्टील की तार, मेटल की तार, एल्यूमिनियम की तार, हाँ, और तारा, आकाश में बहुत सारे तारे हैं। अब यहां देखिए पतल, पतल, पतला और पतीला, पतला पतीला। अब यहां पर त पर मात्रा नहीं है, पर यहां पर त पर मात्रा लगा दी बड़ी तो शब्द का अर्थ ही बदल गया, जबकि अक्षर बिल्कुल सेम है। यहां देखिए ढल, ढल। अब यहां बना दिया मैंने आ की मात्रा लगाई, बना ढाल, हाँ, और ये देखिए ढला, ढला, ढाल, ढला। सिर्फ एक मात्रा एक अक्षर से हटकर दूसरे अक्षर पर पहुंच गई तो शब्द का अर्थ ही बदल गया। ये देखिए अब ये गह गह लिखा हुआ है, यहां अगर मैंने ये वाला गृह लगा दिया तो ये बन गया गृह कार्य, हाँ, और अगर मैंने ये वाली मात्रा लगा दी पदेन की मात्रा तो ये बन गया ग्रह, गृह, ग्रह, ग्रह कार्य, ग्रह, आकाश में कितने सारे ग्रह हैं। अब यहां देखिए बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह। यहां देखिए कयल, कयल, हाँ, अब मैंने यहां पर बनाया को तो बन गया कोयल, एक पंछी जो बहुत मीठा गाता है, हाँ। अब यहां पर को तो लगा दिया, कोयला, कोयला, कोयला लगाया तो बना कोयला जो हम चूल्हे में डालते हैं, कोयला। अब यहां देखिए चन, चन। अब यहां देखिए मैंने लगाई आ की मात्रा तो बना चना, हाँ। अब यहां पर मैंने लगाई बड़ी की मात्रा, बना चीन, एक देश का नाम। अब मैंने यहां पर दोबारा से एक और मात्रा लगाई तो बन गया चीनी जो बहुत मीठी होती है। अब यहां लिखा है हरा, हर, हर। अब र के साथ जब हमने आ की मात्रा लगाई तो बना हरा, हाँ। अब यहां पर अगर हमने ई की मात्रा लगाई और साथ में आ की तो बन गया हीरा, एक स्टोन। अब यहां देखिए श्रवण, श्रवण, श्रवण कुमार हम सभी जानते हैं, और अगर इसमें एक आ की मात्रा लगा दी तो बन गया श्रावण मास, हाँ, श्रावण। अब यहां देखिए क्या लिखा है, क्रम, 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 क्रम। ये अपने आप में ही पूर्ण है, इन सभी वस्तुओं को एक क्रम में लगाइए। अब अगर हम इस क्र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाएगा क्रीम, क्रीम। अब यहां देखिए लिखा है मत, मत, ये भी अपने आप में पूर्ण शब्द है, ये कार्य मत कीजिए। लेकिन अगर हमने मत के साथ आ की मात्रा लगा दी, म के साथ भी आ बना मा, त के साथ लगाई आ की मात्रा बना ता, शब्द बना माता, माता जी का नमन कीजिए, हाँ। अब यहां देखिए यहां पर हमने लगा दी ओ की मात्रा और त पर लगा दी हमने बड़ी की मात्रा तो शब्द बना मोती, मोती समुद्र में से निकलता है। तो देखा आपने इन मात्राओं का प्रभाव, बस एक अक्षर से हटाकर दूसरे पर लगा दीजिए या दूसरे पर ना लगाकर आपने कोई गलत मात्रा लगा दी तो शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूं आपको मात्राओं का प्रभाव अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए अभ्यास करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।